हेलो सीजन 1 एपिसोड 3। इससे पहले कि सभी एपिसोड के लिंक डिस्क्रिप्शन में है, अगर वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो पहले उन्हें जाकर देखिए। एपिसोड शुरू होता है माकी के बचपन और काफी साल पीछे ओबान प्लेनेट से, जहां माकी अपनी चाइल्ड लव इंटरेस्ट डेट के साथ एक झुग्गी में द डाउन ऑफ एंजल नाम की लव स्टोरी सुन रही थी। अब डेट उसे ये कहानी सुना ही रहा था कि तभी वहां पर यूएनएससी के गार्ड आ जाते हैं, जो माकी और डेट को पकड़ने की कोशिश करने लगते हैं, मगर ये दोनों उन गार्ड्स को चकमा देकर वहां से भाग जाते हैं। और फिर एक यूएनएससी गार्ड डेट पर हमला कर देता है, जिस वजह से उसकी डेथ हो जाती है। और अब के हाथ में रह जाती है सिर्फ डेट की याद के तौर पर द डाउन ऑफ एंजल नाम की वो बुक, जिसकी कहानी वो अब तक डेट के मुंह से सुन रही थी। अब भाग रही माके को एक गार्ड पकड़ लेता है और फिर उसे टॉर्चर करने के लिए एक इलेक्ट्रिक रॉड से उसकी पीठ को जला देता है, और ये वही जलने का निशान था जो माके की पीठ पर अब तक बना हुआ था। अब जब ये गार्ड माके को टॉर्चर कर रहा था, तभी एलियट्स मैपस्टिक के सिग्नल को फॉलो करते हुए माके के पास पहुंच जाते हैं, और यहां उन्हें पता चलता है कि जिस चीज को वो ढूंढने आए हैं वो और कोई नहीं बल्कि माके है। अब माके के पास पहुंचने के बाद एलियट माके की जान बचाते हुए उसे टॉर्चर कर रहे गार्ड को दूर उठाकर फेंक देते हैं। और अब माकी अपने प्यार डेट की मौत का बदला लेने के लिए ही कोवेनेंट और प्रॉफिट्स का साथ दे रही थी। अब कहानी प्रेजेंट में आती है और हम देखते हैं कि माकी अपने अंडरकवर मिशन के लिए तैयार हो चुकी थी। अब इसके बाद हम देखते हैं कि माकी 23 लिब्राइज सिस्टम में यूएनएससी पेट्रोल शिप ग्लेडियस के पास पहुंच जाती है। अब यहां पहुंचने के बाद माकी ग्लेडियस को हेल्प के लिए सिग्नल भेजती है। सिग्नल मिलते ही ग्लेडियस शिप का कैप्टन माकी से कॉन्टेक्ट करते हुए उससे उसकी पहचान पूछता है। माकी अपनी पहचान बताते हुए बोलती है कि मुझे मदद की जरूरत है, मैं सर्कमस्टेंस प्लेनेट से हूँ, एलियंस ने मेरी फैमिली को मार दिया है और मेरे पास मेरे डैड का रेडियो बचा हुआ है जो बंद होने वाला है, प्लीज मेरी मदद करो। अब उसके बाद हम देखते हैं कि कैप्टन माके को बचाने के लिए एक ड्रोन पॉड भेजता है, और माके इस ड्रोन पॉड में अपने साथ लुलू जैसे जीवों को लेकर ग्लेडियस शिप तक पहुंच जाती है। और अब ग्लेडियस में अपनी तलाशी देने के बाद जब माके कैप्टन से बात करने लगती है, तभी अचानक से माके के इशारे पर वो लुलू जैसे जीव ग्लेडियस के क्रू पर हमला कर देते हैं, और अब माके के लुलू ग्लेडियस के पूरे क्रू को मार देते हैं। बहनचोद कितने गंदे दिखते हैं यार ये। ग्लेडियस के पूरे क्रू को मारने के बाद माके शिप में ह्यूमंस के होम बेस यानी कि रीच का लोकेशन ढूंढने लगती है, मगर क्योंकि सेफ्टी की वजह से कभी भी पेट्रोलिंग शिप या फिर ऑन मिशन शिप में होम बेस की लोकेशन या फिर उससे जुड़ी हुई जानकारी नहीं होती थी, तो इस वजह से माके को ग्लेडियस पर काफी छानबीन करने के बाद भी होम बेस का लोकेशन नहीं मिलता। अब एक तरफ तो ये सब चल रहा था, वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि डॉक्टर कैथरीन पहले तो अपने क्लोन से कुछ चीजों को जोड़ने के लिए बोलती है, और फिर उसके बाद अपने क्लोन को एक टेबल जैसी स्क्रीन पर लेटा देती है, और फिर पहले क्लोन के फेशियल रिएक्शन को रीड करके उसकी आंखों में एक पिन धंसाकर उसका न्यूरल सब्सट्रैक्ट एक्विजिशन कंप्लीट कर लिया जाता है। अब इसके बाद ये सारा डेटा एक एआई चिप के अंदर स्टोर करके इस एआई चिप को मास्टर चीफ के ब्रेन के ऑडिटरी कॉर्टेक्स के साथ जोड़ दिया जाता है, और अब इसी के साथ कोर्टाना और मास्टर चीफ एक साथ जुड़ जाते हैं। अब ऑपरेशन खत्म होने के बाद मास्टर चीफ के जख्म को भर दिया जाता है और क्लोन को डिस्पोज कर दिया जाता है। और अब इसके बाद डॉक्टर कैथरीन कोर्टाना को आवाज लगाती है। डॉक्टर कैथरीन की आवाज लगाते ही एक होलोग्राम लड़की जो डॉक्टर कैथरीन के जवानी के टाइम जैसी दिख रही थी वो उनके सामने आ जाती है, और यही होती है कोर्टाना। कोर्टाना इतनी ज्यादा एडवांस और फास्ट होती है कि वो पूरी ह्यूमन सिविलाइजेशन की अब तक की सारी नॉलेज को सिर्फ 7 मिनट 30 सेकंड में ही स्टोर करके उसे रीड कर लेती है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि कोर्टाना थोड़ा अजीब बर्ताव कर रही होती है, क्योंकि उसे डॉक्टर कैथरीन के ऑर्डर्स को फॉलो करने के लिए बनाया गया था, मगर वो डॉक्टर कैथरीन और पूरी सिचुएशन को डोमिनेट करने की कोशिश कर रही थी, और साथ ही मास्टर चीफ पर भी पूरा कंट्रोल जमाने की कोशिश कर रही थी। लेकिन क्योंकि डॉक्टर कैथरीन ने पहले ही कोर्टाना की लिमिट सेट कर रखी थी, तो इसलिए ना तो वो सिचुएशन को डोमिनेट कर पाती है और ना ही मास्टर चीफ पर कंट्रोल बना पाती है, और फिर उसे मजबूरन चुपचाप डॉक्टर कैथरीन के ऑर्डर फॉलो करने पड़ते हैं। अब इसके बाद जब मास्टर चीफ होश में आता है, तब डॉक्टर कैथरीन कोर्टाना से उसकी मुलाकात करवाती है, लेकिन क्योंकि मास्टर चीफ को कोर्टाना से नहीं मिलना था, तो इसलिए कोर्टाना और मास्टर चीफ के बीच कुछ खास बातचीत नहीं हो पाती। असल में मास्टर चीफ को कोर्टाना एक बेबी सिटर लग रही थी जो मास्टर चीफ के ऊपर हमेशा नजर बना के रखेगी। अब इसके बाद डॉक्टर कैथरीन मास्टर चीफ को फिर से कीस्टोन को छूने के लिए बोलती है, और इस बार भी कीस्टोन को छूते ही मास्टर चीफ को उसके बचपन की यादें दिखाई देने लगती है। अब इसके बाद मास्टर चीफ कंप्यूटर पर वैसी लोकेशंस को ढूंढने लगता है जैसी लोकेशंस उसने अपने विजन के अंदर देखी थी, मगर क्योंकि मास्टर चीफ गलत तरीके से सर्च कर रहा था, तो इस वजह से उसे सर्च रिजल्ट में कुछ भी नहीं दिखाई देता। और अब यहाँ पर कोर्टाना मास्टर चीफ की मदद करते हुए उससे बोलती है कि आप मुझे लोकेशन के बारे में कुछ जानकारी बताइए, मैं आपको लोकेशन ढूंढ के दे दूंगी। और अब मजबूरी में मास्टर चीफ को कोर्टाना की मदद लेनी पड़ती है, और अब मास्टर चीफ कोर्टाना को बोलता है कि मेरे विजन में पेड़, जंगल, नीला आसमान, रोशनी, हरियाली और एक बहुत अच्छा ब्यूटीफुल एनवायरनमेंट होता है। डिटेल्स के मिलते ही कोर्टाना मास्टर चीफ को 103 ह्यूमन कॉलोनीज को दिखाती है, जिनमें से 23 कॉलोनीज पर स्पार्टन अब तक मिशन के लिए जा चुके थे, और इन्हीं 23 प्लैनेट्स में से एक प्लैनेट होता है मेमोरे, जिस पर मिशन के दौरान स्पार्टन नोरा 098 की मौत हो गई थी। इसके बाद कंफ्यूज मास्टर चीफ अपनी कमर पर लगे हार्मोनल प्लैनेट को निकालने की कोशिश करने लगता है, और हार्मोनल प्लैनेट को निकालने की कोशिश करता देख कोर्टाना इसकी खबर डॉक्टर कैथरीन को देते हुए बोलती है कि डॉक्टर मास्टर चीफ अपना हार्मोनल प्लैनेट निकालने की कोशिश कर रहा है, अगर आप मुझे ऑर्डर दे तो मैं उसे बेहोश कर दूं। और अब हम देखते हैं कि डॉक्टर कैथरीन कोर्टाना को मास्टर चीफ को बेहोश करने के ऑर्डर देने की बजाय बोलती है कि तुम मास्टर चीफ की मदद करो
करो हार्मोनल पैलेट को निकालने में। ऑर्डर मिलते ही कोटाना मास्टर चीफ को सही लोकेशन पर कट लगाने के लिए बोलती है, और अब कट लगते ही मास्टर चीफ की बॉडी से हार्मोनल पैलेट निकल जाता है। अब जब मास्टर चीफ अपनी कमर से हार्मोनल पैलेट निकाल रहा था, तभी काय छुपके से उसे ऐसा करते हुए देख रही थी, यानी कि काय लगातार मास्टर चीफ पर नजर बनाए हुए थी। अब मास्टर चीफ बिना पैलेट के पहली बार लोगों के बीच निकलता है, जिस वजह से उसे सब कुछ अलग अलग महसूस हो रहा था। और अब इसी अलग एहसास को महसूस करने के बाद वो फिर से कीस्टोन वाले रूम में जाता है, और फिर इसके बाद वो फिर से उस कीस्टोन को छूते हुए अपने विजन्स को देखना शुरू कर देता है। और अब उसे अपने विजन के अंदर दिखाई देता है कि कीस्टोन का एक और हिस्सा है जो इससे भी काफी बड़ा है, और कीस्टोन उसी हिस्से के अंदर लगता है। और जब ये दोनों हिस्से आपस में मर्ज हो जाते हैं तो एक गन का शेप ले लेते हैं। अब मास्टर चीफ के विजन्स के अंदर ही हम देखते हैं कि जब मास्टर चीफ छोटा था और कीस्टोन और उसके दूसरे हिस्से की ड्रॉइंग बनाता था, तो उसके डैड उस पर गुस्सा करते थे और उन ड्रॉइंग्स को वो जमीन के अंदर गाड़ देते थे। और अब अपने विजन को देखने के बाद जब मास्टर चीफ वापस होश में आता है, तो वो कोटाना से बोलता है कि मुझे ऐसे हैबिटेबल प्लैनेट्स को दिखाओ जिसके सरफेस से आइस रिंग दिखाई देती हो। और अब आइस रिंग वाली इन्फॉर्मेशन को ऐड करते ही कोटाना की लिस्ट में 103 से सिर्फ 3 प्लैनेट रह जाते हैं। और अब जब इसके बाद कोटाना इन 3 प्लैनेट्स के होलोग्राम वीडियोस को मास्टर चीफ को दिखाती है, तो मास्टर चीफ इनमें से एक प्लैनेट को पहचान लेता है, और इस प्लैनेट का नाम था इरिडनेस 2। अब इरिडनेस 2 के बारे में सुनकर मास्टर चीफ हैरान रह जाता है, क्योंकि इरिडनेस 2 पर जीवन मुमकिन नहीं था, और अगर वहां पर जीवन मुमकिन था ही नहीं तो मास्टर चीफ वहां पर रह कैसे रहा था। कोटाना मास्टर चीफ के सवाल को सुनकर उसे बताती है कि इरिडनेस हमेशा से बंजर नहीं था। काफी टाइम पहले यूएनएससी के साइंटिस्ट ने इरिडनेस पर सेल्फ सस्टेनिंग इकोसिस्टम बनाया था, जिसकी वजह से वहां पर इंसानों का रहना मुमकिन हो पाया था। मगर फिर एक दिन वहां पर अनऑथराइज ट्रांसपोर्ट शिप पहुंच जाता है, और इस शिप के अंदर एक ऐसा वायरस होता है जिसका कोई इलाज नहीं था, जिस वजह से इन्फेक्टेड लोगों को उस प्लेनेट पर ही छोड़ दिया जाता है, और नॉन इन्फेक्टेड लोगों को हीलैंड डैम की जगह पर शिफ्ट कर दिया जाता है। और अब यहां पर मास्टर चीफ समझ गया था कि इसी वायरस की चपेट में आकर उसके मॉम डैड की मौत हो गई है। अब यहां पर मजे की बात यह होती है कि इरिडनेस 2 और वहां फैले वायरस से जुड़ी हुई किसी भी तरीके की फाइल या डेटा यूएनएससी के डेटाबेस में मौजूद नहीं था, जिसकी वजह से मास्टर चीफ को वहां फैले वायरस की कोई भी डिटेल नहीं मिल पाती। अब हम देखते हैं कि यहां पर अचानक से डॉक्टर कैथरीन आ जाती है, जो मास्टर चीफ को इस तरीके से शो करने की कोशिश कर रही थी कि उसे ये बात नहीं पता कि मास्टर चीफ ने अपनी कमर से पैलेट को निकाल दिया है, और अब वो भी इमोशंस को महसूस कर सकता है। अब यहां मास्टर चीफ डॉक्टर कैथरीन को अपने विजन के बारे में बताते हुए बोलता है कि डॉक्टर, जो विजन मुझे दिखाई देते हैं वो मेरे बचपन की यादें हैं, और कीस्टोन का एक ऐसा हिस्सा जो उससे भी बड़ा है उसकी ड्रॉइंग मैंने बचपन में इरिडनेस प्लेनेट पर बनाई थी, और ये दोनों हिस्से मिलकर एक हथियार का रूप ले लेते हैं। अब मास्टर चीफ की बात सुनकर डॉक्टर कैथरीन उससे बोलती है कि ठीक है, मैं एक काम करती हूँ, इरिडनेस 2 पर एक टीम को भेजकर वहां की जांच करवाती हूँ। डॉक्टर कैथरीन की बात सुनकर मास्टर चीफ उसे बोलता है कि तुम्हें जिसको भी भेजना है भेज दो, मगर वहां पर मैं खुद भी जाऊंगा। और अब मास्टर चीफ की ये जिद देखकर डॉक्टर कैथरीन उससे बोलती है कि तो मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। अब एक तरफ तो ये सब चल रहा था, वहीं दूसरी तरफ इन सब के बीच एडमिरल पेरेनगोस की कमेटी मीटिंग में कोटाना के जिक्र की वजह से डॉक्टर कैथरीन से नाराज थी, और अब वो पूरी तरीके से डॉक्टर कैथरीन पर अपनी डिपेंडेंसी को खत्म करने के लिए उसके पीछे से उसकी बेटी मिरिंडा को अपना अल्टरनेट बनाने की कोशिश करने लगती है, और मिरिंडा को बोलती है कि मिरिंडा, तुम एक अलग पैरेलल टीम बनाकर कीस्टोन के ऊपर जांच करो, और एक काम मैं तुम्हें इसलिए दे रही हूँ क्योंकि मैं फ्यूचर के अंदर डॉक्टर कैथरीन पर पूरी तरीके से डिपेंड नहीं रहना चाहती। इसके बाद हम माके को देखते हैं, जो ग्लेडियस शिप से एलीट लीडर से शंगीली लैंग्वेज में बात करते हुए उसे बता रही थी कि मुझे शिप पर ह्यूमंस के होम बेस से जुड़ी हुई कोई जानकारी नहीं मिली, और अब मैं शिप को छोड़कर अपने शिप को लेकर मैड्रिगल की तरफ जाने वाली हूँ। अब माके और एलीट के बीच हुई बातचीत का ट्रांसमिशन फ्लीट कॉम तक पहुंच जाता है, और क्योंकि संगीली लैंग्वेज पर मिरिंडा रिसर्च कर रही थी तो इसलिए इस ट्रांसमिशन को डिकोड करने के लिए मिरिंडा को बुलाया जाता है। लेकिन क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स वेव की वजह से यह ट्रांसमिशन खराब हो चुका था, तो इसलिए मिरिंडा को भी इस ट्रांसमिशन को डिकोड करने में बहुत ज्यादा मेहनत लगने वाली थी। अब इन सब के बीच रेबल पर हम देखते हैं कि क्वान अपने लोगों के पास मैड्रिगल वापस जाना चाहती थी, ताकि वो अपने डैड के लोगों के साथ मिलकर मैड्रिगल को आजाद करा सके। लेकिन क्योंकि सोरेन ने मास्टर चीफ को क्वान का ध्यान रखने का प्रॉमिस किया था, तो इस वजह से पहले तो सोरेन क्वान को मैड्रिगल ले जाने से मना कर देता है, और अब काफी रिक्वेस्ट करने के बाद भी जब सोरेन नहीं मानता, तो फाइनली क्वान उसे ऑफर देते हुए बोलती है कि मैड्रिगल प्लेनेट मेरे डैड का है, और वहां पर बहुत सारा ड्यूटेरियम है, और साथ ही वहां पर मेरे डैड के काफी सारे साथी भी हैं जिनकी मदद से मैं तुम्हें इतना सारा ड्यूटेरियम दूंगी कि जिसको बेचकर तुम बहुत ज्यादा अमीर हो जाओगे। और अब क्योंकि सोरेन को अपना फायदा दिखाई दे रहा था, तो इसलिए वो क्वान की रिक्वेस्ट को मानते हुए उसे मैड्रिगल की तरफ लेकर निकल पड़ता है। वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर कैथरीन भी मास्टर चीफ कोटाना और अपने असिस्टेंट एडून के साथ मिलकर प्लेनेट एरिडनेस 2 की तरफ निकल पड़ते हैं, और यही एपिसोड खत्म हो जाता है। तो क्या होगा माके का अगला कदम, और क्या होगा मैड्रिगल और क्वान का फ्यूचर, क्या है मास्टर चीफ और कीस्टोन के बीच का लिंक, और आखिर में सिर्फ एक ही सवाल, कौन जीतेगा ह्यूमन कोवेनेंट वॉर को। इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए देखते रहिए वी एक्सप्लेनेशन मूवी इन हिंदी।